कालू और सुंदरी की शादी होकर एक महीना भी नहीं हुआ था और सुंदरी कभी अपनी सास को अपने तेवर दिखाने लग जाती हैं। सासू माँ, आपने कहा था ना आपको भूख लगी है, लीजिए ये सूखे दाने खा लीजिए। बहू, कल रात को मैंने देखा था कालू शाम को आते वक्त ताजे ताजे फल लेकर आया था। मुझे तू बस वो फल दे दे, मैं वही खाकर अपना पेट भर लूंगी। मुझे सूखे दाने नहीं खाने हैं, सूखे दाने खा खा कर मेरी चोंच दर्द होने लग गई है। सासू माँ, वो मीठे मीठे फल आपके बेटे ने मेरे लिए लाए हैं, ना कि आपके लिए। अगर आपको सूखे दाने खाने हैं तो खाइए, वरना भूखी रहिए। इतना कह कर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। सुंदरी के जाते ही सुंदरी की सास मन ही मन सोचने लगती है, इस बुढ़ापे में मैं सूखे दाने कैसे खाऊंगी, और बहू के हाथों से दाँत खाने से तो अच्छा है कि इस घर को छोड़कर चली जाऊं और किसी दूसरे घर में रहकर खुद के लिए मीठे फल ढूंढकर खा लूं। इस तरह से बहू के रोज रोज ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं इन दोनों से दूर हो जाऊं। दूसरी ओर सुंदरी कवि अपनी सहेली गोरी कवि के पास जाती है। अरे गोरी, तू कैसी है? अरे तेरी सास की तस्वीर दीवार पर, इसका मतलब कि तेरी सास मर गई गोरी? हाँ सुंदरी, पिछले महीने ही मेरी सास चल बसी। अगर मेरी सास होती तो मेरा घर खिला खिला रहता था। वो मेरे सारे कामों में हाथ बटाती थी, और तो और जब भी कालिया जी के साथ मेरा झगड़ा होता तो मेरा साथ देती थी। मुझे मेरी सास ने कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी सुंदरी। जब भी उनकी तस्वीर देखती हूँ तो मेरी आँखों में पानी आ जाता है सुंदरी। मेरी सास खुद सूखे दाने खाकर मेरे लिए मीठे फल लाया करती थी। ऐसी थी मेरी सास, लगता है भगवान को हम दोनों सास बहू की जोड़ी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मेरी सास को भगवान ने अपने पास बुला लिया। तू बहुत तकदीर वाली है गोरी कवि कि तेरी सास जल्दी मर गई। मेरी सास को मैं हर रोज ताने मारती हूँ, मगर बुढ़िया मरने का नाम ही नहीं लेती। अगर कोई और होती तो मेरे ताने सुनकर दिल का दौरा पड़कर कब का मर जाती। सुंदरी, ये तू कैसी बातें कर रही है अपनी सास के बारे में? जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ गोरी। मेरी सासू माँ 420 है, हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। ऐसा करो वैसा करो, वो मत करो ये मत करो, दाने मत दो फल दो। मैं तो मेरी सासू माँ से तंग आ गई हूँ, न जाने कब मरेगी ये बुढ़िया। अगर मेरे बस में होता तो मैं उस बुढ़िया को कब का भगा चुकी होती। सुंदरी, अब तुम्हारी सास बूढ़ी हो गई है और उनका दिमाग बच्चों की तरह हो गया होता है। हमें उनसे प्यार से बातें करनी होती है। अगर हम उनसे प्यार से पेश आएंगे तो वो भी हमें प्यार देंगे। सुंदरी, पहले तुम अपनी सास से प्यार से बात करो, फिर देखो वो तुमसे किस तरह से पेश आती है। क्या कहा तूने, प्यार से बात करना होगा, वो भी अपनी सासू माँ से? गोरी, तू बहुत भोली है, इसीलिए तेरे माँ बाप ने तुझे गोरी नाम रखा है। मगर मैं सुंदरी हूँ, मैं उस बूढ़ी से प्यार से बात करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। सुंदरी की बातें सुनकर गोरी कवि मन ही मन सोचती है, इसकी बातों से तो साफ साफ पता चल रहा है कि सुंदरी कवि अपनी सास को जरा भी प्यार नहीं करती। इन दोनों का तालमेल ही नहीं है, न जाने वो बूढ़ी माँ इस सुंदरी के ताने कैसे सुन लेती है।
मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उस बूढ़ी माँ जी को ताकत दे इस सुंदरी कवि के ताने सुनने की। तू किस सोच में पड़ गई गोरी? कुछ नहीं सुंदरी, कुछ नहीं, बस यूं ही खो गई थी। खो गई थी? ये तू क्या कह रही है गोरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू वो सब बातें छोड़ सुंदरी, तू ये बता तू क्यों आई थी मेरे पास? घर पर बूढ़ी सास का चेहरा देख देख कर बोर हो गई थी, फिर सोचा कि सहेली गोरी के पास चली जाती हूँ, इसीलिए मैं तुझसे मिलने आ गई गोरी। इस तरह से गोरी कवि और सुंदरी कवि बातें करने लग जाते हैं। दूसरी ओर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ तुम अकेली हो घर पर, सुंदरी कहाँ है? पता नहीं बेटा, तेरी पत्नी बिना बताए यहाँ से चली जाती है, बिना बताए ही चली आती है। अगर उसे पूछूंगी तो वो मुझे ताने मारने लग जाती है, इसीलिए दो आँखों से देखती हूँ और चुप हो जाती हूँ। मेरा क्या है कालू बेटा, अब सब तुम्हारा ही है। अगर तुम अपनी पत्नी को काबू में नहीं रखोगे तो आगे जाकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी कालू बेटा। माँ बेचारी सुंदरी के बारे में क्यों इतना भरा बुला बोलती रहती हूँ मेरे सामने, बेचारी घर के सारे काम अकेले करके थक जाती होगी, इसीलिए तुम्हें कुछ ताने मारती होगी। उसी बेचारी को तुम काबू में रखने के लिए मुझे कह रही हो माँ। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है माँ, तुम उसके बारे में कुछ बुरा मत सोचो। माँ तुम उसकी बुराई मेरे सामने मत करो। बेटा तू मेरे बारे में गलत सोच रहा है, मैं उसकी बुराई क्यों करूँगी? मैं तो तुझे समझा रही थी कि तू बस अपनी पत्नी को काबू में रख। क्या तू हमारे संस्कार और सभ्यता भूल गया है? तुझे पता है ना, हमारे घर की बहुएं घर से बाहर कदम नहीं रखती, और तेरी पत्नी तो बिना बताए ही घर से चली जाती है। माँ अब बस भी कीजिए, मैं अभी अभी तो घर आया हूँ, मुझे शांति से खाना खाकर सोने दीजिए। कालू बेटा अगर तुझे मेरे बातों से ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ कर दे कालू बेटा। ये ले कालू बेटा, बहू ने तो मेरे लिए कुछ सूखे दाने रखे हैं। मेरा चोंच तो दर्द है, मैं ये सूखे दाने खा नहीं सकती। लगता है तुझे बहुत भूख लगी होगी, मेरे बदले तू खा ले कालू, ले खा ले। माँ मैं तो कल शाम को ढेर सारे फल लाया था, वो भी तेरे लिए। लगता है सुंदरी ने तुम्हें देने के लिए भूल गई होगी। वो मुझे फल देना नहीं भूली है कालू बेटा, वो तो मुझे फल देना ही नहीं चाहती। इस तरह से कालू और कालू की माँ बातें कर रहे थे कि वहाँ पर सुंदरी कवि आ जाती है। वाह 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 माँ जी, मेरे पीठ पीछे आप घर में बैठकर अपने बेटे के कान भर रही है मेरे खिलाफ। मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, मैं तो आपको अपनी माँ मानती थी सासू माँ, मगर आप तो कुछ और ही निकली। और आप कालू जी, आप चुपचाप मेरी बुराई सुन रहे थे। मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पीठ पीछे मेरे पति और सास मेरी चुगली करेंगे। सुंदरी तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, माँ के सामने तुम्हारी चुगली मैं क्यों करूँगा सुंदरी, तुम तो मेरी पत्नी हो। मैंने सब अपनी कानों से सुना है कालू जी, अब आप झूठ मत बोलिए। इतना कहकर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कवि जाकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। दूसरी ओर कालू कौवा अपनी माँ को डांटने लग जाता है। देखो माँ तुम्हारी बातें सुनकर सुंदरी को कितना दुख पहुँचा है, बेचारी नाराज होकर चली गई यहाँ से, अभी मुझे उसके पास जाकर उसे समझाना होगा। इतना कहकर कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। माँ को तकलीफ होती है तो बेटे को फर्क नहीं पड़ता, अगर पत्नी गुस्सा हो जाएगी तो बेटे को बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसा सोचते हुए कालू की माँ उदास हो जाती है।
दूसरी ओर कालू कौवा सुंदरी को ढूंढते हुए सुंदरी के पास जाता है। प्यारी मेरी सुंदरी, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? इतना गुस्सा तुम्हारे चेहरे को अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो हर वक्त हंसते ही रहना है। हंसते रहने से तुम्हारा चेहरा फूल की तरह दिखता है। मैं आपकी इन चिकनी चिकनी बातों से फिसलने वाली नहीं हूँ कालू जी। आप यहाँ से जाइए, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। आप जाइए अपनी माँ के पास और दोनों बैठकर मेरे बारे में चुगलियाँ कीजिए। अरे सुंदरी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खामखा इस बात को इतना बड़ा बना रही हो। इस बात में कुछ नहीं रखा है सुंदरी। क्या कहा आपने? मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? सुंदरी प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तो माँ को समझा रहा था कि तुम्हें डांटे ना, और एक तुम हो कि सारा इंजाम मुझ पर ही लगा रही हो। ठीक है सुंदरी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। मैं आइंदा तुम्हारी बातें माँ से कुछ नहीं कहूँगा। अब चलो सुंदरी, हम बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर आते हैं। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर सुंदरी का भी गुस्सा थूक देती है। ठीक है कालू जी, मगर मेरी एक शर्त है। रेस्टोरेंट में सिर्फ हम दोनों जाएंगे, आपकी माँ नहीं चलेगी हमारे साथ। मगर सुंदरी। मगर वगर कुछ नहीं कालू जी, चलिए रेस्टोरेंट जाने में देर हो रही है। तुम यहीं रुको सुंदरी, मैं माँ को बताकर आ जाऊँगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है कालू जी, आप चलिए यहाँ से। फिर कालू कहवा अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट चला जाता है। बहुत रात हो गई है, न जाने ये दोनों कहाँ रह गए। मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने सोचा था कि जब कालू घर आएगा तो वो मुझे वर देगा, मगर मेरा बेटा कालू तो अपनी पत्नी के पीछे ही चला गया। अपनी माँ को छोड़कर न जाने वो कहाँ चला गया और वो कब लौटेंगे ये भी मुझे पता नहीं है। भूखी मरने से अच्छा है कि मैं ये कुछ सूखे दाने खाकर अपना पेट भर लूं। बेचारी कालू की माँ भूख की वजह से वो सूखे दाने खा लेती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बुढ़ापे में मुझे सूखे दाने खाने पड़ेंगे। जब कालू छोटा था तो मैं उसे हर रोज फल खिलाया करती थी, मगर आज मेरा बेटा मुझे फल नहीं खिला रहा है। जब कालू के पिताजी जिंदा थे तो वो मेरे लिए और कालू के लिए हर रोज फल लाया करते थे। अगर वो आज होते तो मुझे सूखे दाने खाने नहीं पड़ते थे। इस तरह से सोचते हुए कालू की माँ रोती रोती सो जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है। सुबह उठकर कालू की माँ अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है, अरे कालू और सुंदरी अभी तक घर नहीं आए। न जाने ये दोनों कहाँ चले गए, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। अब मैं क्या करूँ। हाँ, रानी चिड़िया के पास जाती हूँ। कालू की माँ उड़ते उड़ते रानी चिड़िया के पास जाती है। रानी चिड़िया, कल रात से मेरा बेटा और बहू घर नहीं आए, न जाने वो कहाँ चले गए। मुझे उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है रानी चिड़िया। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। शायद वो आज दोपहर तक आ जाएंगे। माँ जी ये लीजिए, कुछ फलों को खा लीजिए। फलों को देखकर कालू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हो गया माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं रानी चिड़िया, फल देखकर मुझे मेरी बहू और मेरे बेटे की याद आ गई, बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। रानी चिड़िया कालू की माँ की बातें सुनकर सब समझ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मुझे लगता है सुंदरी बहन माँ जी को फल नहीं देती, इसीलिए माँ जी के आंखों में आंसू आ गया। मुझे इसके बारे में कालू भैया से बात करनी होगी।
माची आप यही मेरे घर में ही रह जाइए जब तक कालू भैया और सुंदरी बहन वापस नहीं आ जाते। नहीं रानी चिड़िया, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अगर मैं यहाँ रुक गई तो अगर कालू आ गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा रानी? कालू की माँ कुछ फल खाकर वहाँ से चली जाती है और रानी चिड़िया भी कालू और सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ती है। न जाने कालू भैया और सुंदरी बहन कहाँ होंगे। फिर रानी चिड़िया को रास्ते में बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपने कालू भैया और सुंदरी बहन को कहीं देखा है? वो दोनों कल रात से घर नहीं लौटे। कालू की माँ बहुत परेशान हो रही है। हाँ रानी, मैं आज सुबह ही कालू और सुंदरी से मिल चुकी हूँ। वो झरने के पास बैठे हुए हैं। ए तुम क्या कह रही हो बुलबुल बहन, वो दोनों झरने के पास बैठे हुए हैं? ऐसा कहकर रानी चिड़िया झरने की ओर उड़ जाती है। रानी चिड़िया झरने के पास जाती है और कालू से कहने लगती है, कालू भैया आप यहाँ झरने के पास बैठे हुए हैं और आपकी माँ वहाँ आपको लेकर बहुत परेशान हो रही है। क्या आपको अपनी माँ की फिक्र नहीं है? कालू जी, मुझे लगता है इस रानी चिड़िया को भी माँ जी ने कान भर दिए हैं, इसीलिए रानी चिड़िया आपको डांटने आ गई। नहीं सुंदरी बहन, मुझे माँ जी ने कुछ नहीं बताया, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम कालू भैया के कान भर रही हो। मैं तो कालू भैया से कहने आई थी कि अगर उन्हें जाना है तो अपनी माँ को बताकर जाना चाहिए ना। बेचारी वो बूढ़ी माँ आप दोनों के चिंता में परेशान हो रही है। रानी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें माँ के पास जाना होगा। आप चुप हो जाइए कालू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? माँ जी इतनी बड़ी हो गई है, माँ जी को पता होना चाहिए। अगर मियाँ बीबी बाहर चले गए हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, मगर सासू माँ तो डिस्टर्ब तो क्या चुगलियाँ करने भी लग गई, वो भी जंगल के सभी पक्षियों से। कालू भैया आप घर जाइए, माँ जी आपका इंतजार कर रही है, वो बहुत परेशान हो रही है। आप प्लीज घर चले जाइए कालू भैया अपनी माँ के पास। नहीं कालू जी, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? कालू जी क्या आप बहरे हो? आपको एक बात समझ नहीं आती, हम उस घर में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। मैं ऐसा नहीं कर सकता सुंदरी। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए कालू जी, मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाली। मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सुंदरी की बातें सुनकर रानी चिड़िया कहने लगती है, ये तुम गलत कर रही हो सुंदरी बहन। अगर आज तुम अपनी सासू माँ को छोड़कर चली जाओगी तो आगे जाकर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी सुंदरी बहन। अपना ज्ञान अपने पास ही रख रानी चिड़िया, मुझे मत समझा। अगर तू समझाना चाहती है तो जा मेरी सासू माँ को समझा, वो हर वक्त मुझे ताने मारती रहती है। क्या तू जानती है मेरे पीठ पीछे मेरी सासू माँ मेरी चुगली करती है, वो भी मेरे पति के सामने, मैंने अपनी कानों से सुना है। कालू जी आप खड़े खड़े होकर हम दोनों की बातें क्यों सुन रहे हो? जाकर हम दोनों के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढिए, ताकि हम उस घर में रह सकें। सुंदरी एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है कालू जी, आप जाते हो या मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं। सुंदरी कवि के बातें सुनकर कालू का वा डर के मारे वहां से चला जाता है। ये आप बहुत गलत कर रही है सुंदरी बहन, एक बूढ़ी माँ और बेटे को अलग कर रही है, ये सबसे बड़ा पाप का काम है सुंदरी बहन। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है रानी चिड़िया, तुम्हें समझाने से अच्छा है कि मैं खुद कालू जी के पीछे चली जाती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कवि कालू के पीछे चली जाती है।
ये कालू भैया को क्या हो गया है? क्यों अपनी पत्नी की बातें सुन रहे हैं कालू भैया? दूसरी ओर कालू की माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। घर पर अकेली होने की वजह से वही तड़प तड़प कर वो अपना दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद कालू के घर रानी चिड़िया आती है। माँ जी, आपका बेटा और बहू सुरक्षित है, मगर एक बुरी खबर भी है माँ जी। इस तरह से रानी चिड़िया कालू की माँ से बातें करने लग जाती है, मगर रानी चिड़िया ये नहीं जानती थी कि कालू की माँ कब की मर गई थी। माँ जी, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? फिर रानी चिड़िया कालू कौवे की माँ के पास जाती है और वो देखती है। ये क्या अनर्थ हो गया? माँ जी सांस क्यों नहीं ले रही है? इसका मतलब कालू भैया की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ये बात कालू भैया को बतानी होगी। फिर रानी चिड़िया कालू कौवे को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ ही देर में रानी चिड़िया को कालू और सुंदरी मिल जाते हैं। कालू भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ये बेशरम कहीं की फिर से आ गई। कालू भैया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोलो रानी चिड़िया, क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही कालू भैया। अगर तुम्हारी माँ जी इस दुनिया में नहीं है तो हम क्या करें? जाओ, जाकर उनका अंतिम संस्कार करो। हमारा दिमाग मत खाओ रानी चिड़िया, पहले ही हमारा दिमाग खराब है। कालू भैया, आपकी माँ ही इस दुनिया से चली गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये तुम क्या कह रही हो रानी चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कालू जी, मुझे लगता है ये चिड़िया और आपकी माँ दोनों मिलकर एक झूठी कहानी बता रहे हैं हमें, ताकि हम घर आ सकें। आप इस चिड़िया के बातों पर मत जाइए कालू जी, और चलिए यहाँ से। कालू भैया, आप तो जानते हैं ना कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो भी आपकी माँ के बारे में। नहीं कालू भैया, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रानी चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। कालू जी, आपकी माँ और ये रानी चिड़िया ये हमें गुमराह कर रहे हैं, आप इनकी चाल में मत फंसिए कालू जी, और चलिए यहाँ से। हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे। सुंदरी की ये बातें सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है और कालू कौवा सुंदरी कौवे को थप्पड़ मार देता है। सुंदरी, रानी चिड़िया झूठ नहीं बोलती है, ना ही वो हमें गुमराह कर रही है। वो जो भी कह रही है सच सच कह रही है। मुझे मेरी माँ के पास जाना होगा सुंदरी, अगर तुम्हें मेरे साथ आना हो तो आओ, वरना चली जाओ यहाँ से। कालू, रानी चिड़िया और सुंदरी तीनों मिलकर कालू कौवे के घर आते हैं। आ गया कालू, देख कालू तेरी माँ मर गई है। कल से तू दफ्तर से आकर खाना खाकर आराम से सो जाना कालू। अब तुझे और तेरी पत्नी को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा कालू, कोई नहीं होगा। और तू सुंदरी, अब तू आराम से बैठकर मीठे मीठे फल खा लेना। इस तरह से बुलबुल सुंदरी और कालू कौवे को ताने मारने लग जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा माँ। माँ, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ माँ, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। फिर कालू कौवा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने लग जाता है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू के घर सुंदरी कौवे की माँ आ जाती है। अरे सासू माँ, हमारे घर में आप क्यों आई हो? क्या काम है आपको हमारे घर में? दामाद जी, आप यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं, वो भी घर के बाहर?
मुझे पहले अंदर तो बुलाइए। सुंदरी, तुम्हारी माँ आई है। अरे माँ, आप बाहर क्यों ठहरी हैं? अंदर आइए ना। वो बेटा, दामाद जी मुझे अंदर नहीं बुला रहे हैं, इसीलिए मैं बाहर ही हूँ। और ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? कालू जी, क्या घर आए मेहमानों से इस तरह से बात करते हैं? मेहमानों से तो हम ठीक से पेश आते हैं सुंदरी, सिर्फ सासू माँ से ठीक से पेश नहीं आते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी सुंदरी। सुंदरी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और थक भी गई हूँ, मुझे कुछ नाश्ता या फिर चाय तो पिला। कालू जी, देखिए ना, मेरी माँ कितनी थकी हुई है, बेचारी को भूख भी लगी है। जाइए ना कालू जी, कुछ मीठे मीठे ताजे ताजे फल लेकर आइए मेरी माँ के लिए। क्या कहा सुंदरी, मीठे फल? वो भी तुम्हारी माँ के लिए? नहीं सुंदरी, फल वल कुछ लाने वाला नहीं हूँ मैं, घर पर सूखे दाने पड़े हैं, वही खिला दो तुम्हारी माँ को। कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, भला वो सूखे दाने कैसे खा सकती है? उसे तो मीठे मीठे फल खाने आते हैं, ना कि सूखे दाने। अगर मेरी माँ सूखे दाने खाएंगी तो मेरी माँ का चोंच दर्द हो जाएगा। जाइए ना कालू जी, मेरी माँ के लिए मीठे मीठे ताजे ताजे फल लेकर आइए। क्या कहा सुंदरी तुमने, तुम्हारे माँ का चोंच दर्द हो जाएगा? जब मेरी माँ सूखे दाने खाती थी ना, खा गई थी तुम्हारी माँ की ममता। मैं मेरी बूढ़ी माँ को डांटता था सिर्फ तुम्हारे लिए। आज मुझे समझ आ गया है सुंदरी कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी। अगर मैं तुम्हें काबू में रखता तो शायद मेरी माँ मेरे साथ होती थी। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो सुंदरी, मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी लाकर देने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ सुंदरी, दामाद जी इतने गुस्से में क्यों थे और वो कहाँ चले गए? वो माँ, उन्हें कुछ काम याद आ गया है, इसीलिए वो बाहर चले गए। वो माँ, तुझे भूख लगी थी ना, मेरे पास कुछ सूखे दाने हैं, क्या तू सूखे दाने खा लेगी? कोई बात नहीं सुंदरी, मैं सूखे दाने खा लूंगी, आखिर मेरी बहू भी तो मुझे सूखे दाने ही देती है। सूखे दाने खा खा कर मेरा चोंच दर्द हो गया है सुंदरी, भूख की वजह से मैं सूखे दाने और तुम्हारी बाबी के ताने भी खा लेती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनके सुंदरी कौवी को अपनी सासू माँ की याद आ जाती है। फिर कुछ ही देर में कालू कौवा घर आ जाता है और सुंदरी से कहने लगता है, ये लो सुंदरी, सासू माँ के लिए मैं कुछ मीठे फल लेकर आया हूँ, खिला दो तुम्हारी माँ को। फलों को देख कर सुंदरी कौवी को रोना आ जाता है और सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहने लगती है, मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया है कि मैंने सासू माँ के साथ बहुत गलत किया है। मैं बहुत बुरी बहू हूँ, मैं बहुत बुरी पत्नी भी हूँ, मेरी वजह से सासू माँ मर गई। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से सुंदरी कौवी को समझ आ जाता है कि सासू माँ भी एक माँ होती है और एक माँ भी कभी ना कभी सास जरूर बनती है। पुराने व्यूवर्स है तो हमारे चैनल के बेल बटन को ऑन कीजिए और नए व्यूवर्स है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।